स्टार प्लस के शो इमली से जल्द ही शो के दोनों लीड स्टार्स यानी कि सुंबल ताकिर और फहमान खान एग्जिट लेने वाले हैं, ऐसी खबरें लंबे वक्त से सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि शो में जनरेशन ले पाएगा जिसमें कहानी इमली की बेटी चीनी के इर्द गिर्द दिखाई देगी। हालांकि पहले खबर ये थी कि सुंबल ही चीनी के किरदार को प्ले करती नजर आएंगी, लेकिन अब नई एक्टर के नाम जुड़ने से फैंस जरूर हैरान होंगे। जी हां, खबरें सामने आई हैं कि शो में आने वाले जनरेशन लीप के साथ सुंबल को एक्ट्रेस मेघा चक्रवर्ती रिप्लेस कर सकती हैं। लेटेस्ट खबरें ये सामने आई हैं कि मेघा शो में लीप के बाद लीड रोल में होंगी और चीनी का किरदार निभाती नजर आएंगी। हालांकि अभी मेघा की एंट्री पर ऑफिशियली कंफर्मेशन तो सामने नहीं आई, लेकिन ये खबर सुंबल के फैंस के लिए काफी झटकेदार है। बता दें, जब से लीप की खबरें सामने आई हैं और सुंबल फहमान के जाने की खबरों ने माहौल को गरमाया है, तभी से सोशल मीडिया पर दोनों के फैंस ने मुहिम से छेड़ दी है। फैंस का कहना है कि बिना सुंबल तौकीर और फहमान खान के शो किसी काम का नहीं रहेगा। शो में अगर दोनों की केमिस्ट्री नहीं होगी तो शो की कहानी से वो खुद को कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। हालांकि अब मेघा का नाम शो से जुड़ते ही जनता कैसे रिएक्ट करने वाली है, ये भी देखने वाली बात रहेगी। वैसे जिन्हें मेघा के बारे में नहीं पता, उन्हें बता दें कि मेघा कई सालों से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा है और कोई नया चेहरा नहीं है। मेघा ने अब तक कई फिल्में और टीवी शोज में काम किया है। टीवी शोज की बात की जाए तो इस लिस्ट में बड़ी देवरानी, ख्वाबों की जमीन पर, पेशवा बाजीराव, कृष्णा चली नंदन जैसे शो शामिल हैं। वहीं साल 2020 में आए शो कांटेलाल एंड सन्स से उन्हें काफी पॉपुलैरिटी मिली थी। वहीं मेघा बंगाली और हिंदी फिल्म में भी नजर आ चुकी हैं। हालांकि अब देखना तो यह है कि अगर वाकई मेघा की इमली शो में एंट्री पक्की है तो क्या वो सुंबल जैसे कमाल कर पाएंगी और लोगों के दिलों में चीनी के रूप में जगह बना पाएंगी। आपको क्या लगता है? अपनी ओपिनियन हमारे साथ नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें।